अगर कोई पहले से सफलता के घोड़े पर सवार हो और मोटा पैसा कमा रहा हो और वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आए तो क्या होगा? आइडियली कंडीशन तो यही कहती है कि जज उसको हाथों हाथ ले लेंगे, ब्लैंक चेक लेकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जैसा हम सोचते हैं, अगर जज भी ऐसे ही सोचते तो फिर हम जज नहीं होते। चलिए स्टोरी का मीटर फिट कर दिया, मुद्दे पर आते हैं। यूट्यूब पर तकरीबन 1.5 करोड़ सब्सक्राइबर वाले बंदे का पासा एकदम उल्टा पड़ गया, क्यों वो हम बताते हैं। शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 एपिसोड नंबर 42, इसमें एंट्री ली अरविंद अरोरा ने। बेंगलुरु के अरविंद ने कॉन्कर के नाम से एक ऐप बनाया है। ऐप के अभी तक 9 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स है। अरविंद के मुताबिक उनका ऐप स्किल बेस्ड कोर्स करवाता है, मतलब ऐसा कोर्स जिनको करके आपको जॉब मिल सके। इसके साथ कई और कोर्सेज भी ऑफर करता है, मसलन रील बनाने में या यूट्यूब पर वीडियो बनाने में मास्टर कैसे हो। ऐप पर सर्विस मुफ्त नहीं है, मतलब आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ हम लगाते एक अल्पविराम और जानते हैं कौन है अरविंद अरोरा। अरविंद का एक और परिचय है, वो A2 मोटिवेशन के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसके तकरीबन 14.5 मिलियन बोले तो 1.5 करोड़ के आसपास यूजर्स है। उनका दावा है कि वो इस चैनल से हर महीने 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं। कहने का मतलब उनका एक जमा जमाया सेटअप पहले से है। वापस आते हैं शो पर। अरविंद ने अपना आइडिया जजों से शेयर किया और उसके बाद अजीब सी डिमांड सामने रख दी। एक तरफ जहां शो में हर कोई फंडिंग से जुड़ी प्रॉपर डिमांड लेकर आता है, जैसे कितना चाहिए और कितनी हिस्सेदारी पर, वहीं अरविंद ने कहा उनको तो बस शगुन का 1 रुपया ही चाहिए। अरविंद का ये दाव एकदम उल्टा पड़ गया। उनकी बात खत्म होती उससे पहले पीयूष ने साफ साफ बोल दिया कि वो बाहर है, क्योंकि आप बात को घुमा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब शार्क्स ने एक बार फिर से पूछा तो अरविंद ने इन्वेस्टमेंट के बदले उनकी कंपनी के वास्तविक कीमत की दुगनी हिस्सेदारी ऑफर कर दी। जाहिर सी बात है जजों को ये पसंद नहीं आया, हालांकि उनको 1% हिस्सेदारी के बदले 40 लाख रुपए चाहिए थे। सिंगल डबल के ऑफर से जज अमन भी चिढ़ते नजर आए। वैसे सारे जजों को ऐप का आइडिया और उनको बनाने का कारण खूब पसंद आया। वहीं जज अरविंद की पिच से प्रभावित नहीं लगे, जबकि उनका ऐप मुनाफे में है। शार्क अनुपम ने तो उनको दूसरी कंपनियों जैसे बायजूस से तुलना करने से साफ मना भी कर दिया। उनको साफ साफ कह दिया कि बात को घुमाइए मत। इसके बाद जब अरविंद के बिजनेस रिलेटेड एक ऐप के बारे में अनुपम ने जिक्र किया, लेकिन उसके बारे में भी अरविंद को कोई नॉलेज नहीं थी। अनुपम बहुत शॉक हुए और लंबी बातचीत से जज इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। एट द एंड शार्क टैंक से उनको सिर्फ शुभकामनाएं ही मिल सकी। आपको क्या लगता है कि अरविंद अरोरा को शार्क टैंक में जाना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज़ इंडीज, एक अलग नजरिया कपड़ों का।